यस दोस्तों, पूरा वर्ल्ड न्यूज़ का तो ज़्यादा मुझे पता नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ जानकारी रखते हुए मैं आपके लिए ये वीडियो बनाता हूँ। दोस्तों आज देखिए, मैं जितना टच में रहता हूँ और जितना मुझे अनुभव है उसी के आधार पे मैं वीडियो बना रहा हूँ, एंड उसी के आधार पे आपको जो भी मुझे जानकारी है वो दे रहा हूँ। रोज इस शेयर बाज़ार में ट्रेडर्स को, इन्वेस्टर्स को नए नए तजुर्बे होते हैं और मुझे भी रोज़ नए नए तजुर्बे लग रहे हैं, लेकिन मैं अपने अनुभव से कुछ तजुर्बों को ऑब्जर्व कर लेता हूँ। आज देखिए, बाजार निफ्टी 50 16,443 खुला और लगभग वहीं रहा, काफ़ी देर तक रहा। दोस्तों खूब डराया इसने आज, एंड 16,646 तक मैक्सिमम टच किया। लगभग 200 पॉइंट की रेंज कल भी चला था और आज भी कुछ सोच समझ के ही ऑपरेटर इसको 200 पॉइंट के इर्द गिर्द घुमाता है, और 16,628 पे दोस्तों 105 पॉइंट के साथ में ये बंद हुआ, 105 पॉइंट ज़्यादा पे बंद हुआ कल के मुकाबले। तो देखिए, 16,506 नहीं काटा इसने, ट्यूसडे को भी, वेडनेसडे को भी, आज भी नहीं, क्लोजिंग पे उससे ऊपर ही बंद ये हुआ। निफ्टी बैंक भी कमाल कर रहा है दोस्तों, 35,385 लो दिखा के और 35,676 मैक्सिमम दिखा के 35,617 पे 7 पॉइंट कल के मुकाबले नीचे में बंद हुआ। जो निफ्टी मिड कैप 100 शेयर का इंडेक्स है वो 191 प्लस में बंद हुआ। तो दोस्तों ये था आज का अपडेट। इक्विटीज पे मैंने ध्यान दिया, कोई खास दमखम किसी भी स्टॉक में मुझे नहीं लगा। एफआईआई ने 451 करोड़ की सेल की, बिक्री करी, और हमारे डीआईआई ने मात्र 130 करोड़ की बाइंग करी। बाकी मुकाबला हम सब रिटेल इन्वेस्टर्स ने मिलकर एफआईआई के सामने किया। तो आज भी उन्होंने बेचा 451 करोड़ का कैश में, और हमारे डीआईआई बहुत कम 130 करोड़ का माल खरीदा उसके मुकाबले, और बाकी मुकाबला रिटेल इन्वेस्टर्स ने किया, इसीलिए आज हमारा स्टॉक मार्केट ऊपर में बंद हुआ। हम लोग डीआईआई के बराबर साथ दे रहे हैं और अब साथ देते देते उनसे आगे निकल गए दोस्तों। यस, 130 करोड़, तो जो 450 और 130, लगभग 300 करोड़ रिटेल इन्वेस्टर्स ने बराबर किए और उससे ज़्यादा कई माल खरीदा, ऐसा मुझे लग रहा है दोस्तों। जब रिटेल इन्वेस्टर्स बाइंग करता है दोस्तों, मैं बता रहा हूँ आपको एक मोटी सी बात तजुर्बे की, वो अपने पोर्टफोलियो में नुकसान पहुँचाने के लिए नहीं खरीद के रखता, वो प्रॉफिट के लिए ही रखता है, जल्दी से निकालेगा नहीं है। इसलिए एफआईआई को घूम फिर के आके महंगे रेट पे ही खरीदने पड़ेंगे इंडियन स्टॉक्स। हाँ, स्टॉक्स में जान नहीं थी दोस्तों, बाजार में जान दिखाई नहीं दे रही थी आज, दमखम ऐसा दिखाई नहीं दे रहा था। एक स्टेज पे स्टेगनेंट सा हो गया था आके, जब उनकी कटारी चली और हमारा निफ्टी 50 16,620 के आसपास था तो साफ दिखाई दे रहा था कि वो लोग बेच रहे हैं। फिर एक बार 16,500 कुछ आ गया, फिर बहुत जल्दी से रिकवर हो गया। वो कटारी की आवाज़ और उसकी जो रफ्तार है एक ऑब्जर्वर को साफ दिखाई दे जाती है, लेकिन जय हो रिटेल इन्वेस्टर्स की विद डीआईआई की, बाजार को अपने ऊंचाई के स्तर की तरफ जाके ले जाके बंद किए। देखिए, कटारी चलती रहेगी और वो सेलिंग ज़्यादा कर देंगे तो भाई देखो कभी भी बाज़ार गिर जाएगा, रिटेल इन्वेस्टर और डीआईआई भी कब तक खरीदेंगे।
लेकिन अब रिटेल जान पूछ के उनका सामना कर रहे। आज वेदांता भी गिरा दोस्तों, हिंडालको भी गिरा। किसी ने कहा कि अच्छे अच्छे स्टॉक हैं, आप ये बता दीजिए खरीदने के लिए। मैंने नहीं भाई, दिमाग लगाऊंगा, सोच समझ के एक स्टॉक दूंगा, दूसरा डिलीवरी में दूंगा, तीसरा इन्वेस्टमेंट के लिए दूंगा। आज तीन स्टॉक दिए टाटा स्टील को, आज बहुत दिन बाद खुल के खेलने की फ्रीडम दी अपने व्हाट्सएप मेंबर्स को। बहुत दिन से एक रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप इंट्राडे नहीं दे रहे, हमने आज खुल के इंट्राडे दे दिया। खूब खेलो जितना भी खेला जाए, और सभी बच्चे लोग खुल के खेले दोस्तों। और टाटा स्टील ने, क्योंकि मेरी बहुत दिन से एक आइडेंटिफिकेशन कहो, ऑब्जर्वेंस कहो, या इसकी स्टडी कहो, इसकी चाल कैसे चलती है, इसको मैं ट्रैक कर रहा था, और उसने वही पूरी की पूरी चांस सभी को पैसा कमाने का दिया। क्योंकि दोस्तों स्टॉक की आदत से पता चल जाता है, इधर उधर के फैक्टर से पता चल जाता है। चाइना ने कहा कि मेटल्स में बहुत पैसा झोंक दिया है, ये सब थे सुबह, तो दूसरा हमने सेल दिया था, नीचे बाइंग लेवल दिया था, भाई इतने पे आ जाए तो बाई कर लीजिए और ऊपर में सेल कर दीजिए। तो सेल थोड़ा देर में उन लेवल्स पे आया, बाइंग लेवल्स पे, फिर बाद में उसने भी पैसा दिया। एक बहुत अच्छा स्टॉक था इन्वेस्टमेंट के लिए दोस्तों। डेफिनेटली वो स्टॉक पैसा देता है, बड़ा सुंदर स्टॉक है, ज़्यादा हाई रेट पे फंसना नहीं चाहिए किसी भी स्टॉक में। और जो मैं ये स्टॉक्स की राम कहानी बता रहा हूँ, ये सब एजुकेशनल पर्पज के लिए हैं, बच्चे लोग इसको एजुकेशन के लिए यूज करें। कोई भी शेयर बाजार से शेयर खरीदोगे बेचोगे, नुकसान या फ़ायदा होगा तो उनका, आप लोगों का खुद का होगा, मेरी या मेरे चैनल की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। इसलिए अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके ही खरीद फरोख्त करें। बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स इन शेयर्स के आए हुए थे, ये मेरा बहुत पुराना तजुर्बा है। देखिए मैं एक एग्जांपल दे सकता हूँ आपको, चलिए दे देता हूँ एग्जांपल। टिन प्लेट के बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए थे दोस्तों, बड़ा अच्छा डिविडेंड दिया गया था बहुत दिनों बाद। टाटा की कंपनी है 445-50 तक गया था, उससे एक महीने पहले 330 पे पड़ा हुआ था। कंटाल गए थे बच्चे लोग कि सर बढ़ता ही नहीं है। जब रिजल्ट आए और मैंने एनालिसिस किया कि इसका प्रॉफिट पिछले साल के मुकाबले 3 गुना बढ़ेगा, EPS जबरदस्त आएगी और डिविडेंड भी बहुत ज़बरदस्त आएगा। दोस्तों ये तीनों चीज़ें की गई, रिजल्ट जब आया तब 450 भाव हो गया, उस दिन भी कम आया लेकिन गिरते गिरते 303 भी हो गया था दोस्तों। 303 सभी लोगों ने अच्छी एनालिसिस वाले फंडामेंटल मजबूत स्टॉक को खरीदना शुरू कर दिया, और आज वो 360 है, काफ़ी 70 रुपये शायद बढ़ा है। तो मैं बता रहा हूँ, कभी भी फंडामेंटल मजबूत शेयर वीक बाजार से कितना भी हो, अपनी रौनक को जरूर दिखाएगा। और भाई कोई कहे कि ये तो टेक्निकली ऐसा है वैसा है, इसकी तो कैंडल ऐसी होगी है वैसी है, दोस्तों फंडामेंटल मजबूत शेयर के सामने कैंडल्स भी फीकी पड़ जाती हैं, क्योंकि वो मुझे भी चाहिए आपको भी चाहिए। टाटा मेटेलिक में देख लीजिए, 664 आ गया था, 664 रुपया, आज वो 734 रुपया है दोस्तों। 34 और 64 देखिए कितना बढ़ा, 44-70-80 रुपया बढ़ गया। CDSL को देख लीजिए, एक ही दिन में 182 रुपया दिखा रहा था एक दिन, बच्चे लोग दौड़ दौड़ के बता रहे थे कि सर इसमें क्या हो गया, ये तो ज़बरदस्त बढ़ाया। BSE को देख लीजिए। खैर बातों में दोस्तों आपको अच्छे स्टॉक्स बता दिए, क्योंकि आप लोग भी मेरे फ्रेंड्स हैं, मैं भी रिटेल इन्वेस्टर्स हूँ, आप लोग भी मेरे फ्रेंड्स हैं, सब मिल के FII का मुकाबला करेंगे, इसलिए मैं आपको अच्छे अच्छे स्टॉक्स बता देता हूँ।
इतनी मदद करता हूँ दिल खोल के दोस्तों। अभी अभी मैंने टेलीग्राम चैनल पे 2-3 कंपनीज के एनालिसिस करके रिजल्ट्स पेस्ट किए हैं, सिर्फ एक नन्ही सी बात पे। एक इशारा इन्वेस्टर ने दिया, ट्रेडर ने दिया कि सर इसके व्यू बताइए आपके क्या हैं। मैंने कहा भैया ये राम कहानी है, इस महाभारत को या रामायण को खुद पढ़ लो और इसमें व्यूज भी साफ साफ छपे हैं, क्योंकि विद प्रूफ अगर कोई किसी चीज़ को देता है तो वो मान्य होनी चाहिए। बकवास करने से या बोलने से आप किसी पे भरोसा मत करिए, ये मेरा कथन है। ये शेयर बाजार है, सोच समझ के मुंह पैर रखिए इसमें। डेल्टा कॉर्प को मैंने 30-32 रुपए एक एक दिन में भागते देखा। जब भागता है जबरदस्त भागता है दोस्तों, इसलिए इसको हाई बीटा काउंटर कहा गया है। हाई बीटा 5 कैसीनो खुले हैं गोवा में, दूसरी जगहों पे विदेशों में भी हैं इनके। 1 रुपए का शेयर है और इतना स्ट्रेंथ है इस शेयर में कि डबल होने में कुछ ही चंद दिन लगाता है। मैंने इसकी इतनी हाई स्पीड देखी है। अभी इसमें सेलिंग आया है, किसी ने 25 लाख शेयर्स बेचे, हो सकता है वो नीचे से घुसे। भाई देखिए उसका क्या तुक है, जब 7.5% की इक्विटी उसकी है और उसने 25 लाख बेच दिए तो अभी भी तो वो उस कंपनी का मालिक है। 6.5% या 6.1% तो उसके पास है, तो हो सकता है कि नीचे से इन्वेस्टर्स कुछ कोई घुसना चाह रहा हो, शेयर को नीचे गिरा दो, नीचे फिर माल उठाओ। ये तो होती है इन बड़े लोगों की काटापेटी, जो छोटे मछलियों को खा जाते हैं। मेरे पास भी है डेल्टा कॉर्प, मैं तो नहीं बेचूंगा भाई, नीचे गिरेगा और इकट्ठे करूंगा, जरा आने दो 150 रुपये। तो दोस्तों अगर पक्का इरादा फर्म डिसीजन लेके इस बाजार में चलोगे तो कभी लॉस नहीं होगा। हाँ देखिए कुल क्या है, पुट और कॉल एंड ऑप्शन एंड पता नहीं क्या क्या है ABCD, वो तो सब चीज़ मैं नहीं जानता हूँ। मोटी मोटी हिंट दे देता हूँ मैं कि भाई बाजार बढ़ेगा या गिरेगा। मैं अपने स्टॉक्स को बढ़ने या गिरने की तरफ इंडिकेट करता हूँ, पुट कॉल के लिए नहीं करता, उसकी तो मुझे ABCD की भी पता नहीं है। तो कल अभी तो SGX निफ्टी 16,594 मैंने देखा है दोस्तों, 16 पॉइंट डाउन। एशियन मार्केट रेड में बंद हुए आज, यूरोपियन मार्केट मिले जुले हैं। वो दोस्तों इसलिए है कि डोजन फ्यूचर्स दिन में 140-150 पॉइंट अप चला गया था, अभी सिर्फ मात्र 35 पॉइंट ग्रीन में है। तो आज भी हम डोजोन्स एंड नेस्डेक की एक्चुअल परफॉर्मेंस ओवरनाइट US में देखेंगे। ये ग्रीन सिग्नल देंगे अच्छे से, डोजोन्स कल ग्रीन में खुलेगा दोस्तों। सीधे सीधे सी बात है, कल 16,750 निफ्टी 50 टच कर लेगा एंड उसका मिनिमम लेवल अब 16,200 की जगह 16,300 मैं मान के चल रहा हूँ, क्योंकि देख चार्ट एंड कैंडल्स जो हैं, वो चार्ट जो है वन डे का वो साफ इंडिकेट करा कि भी 16,300 तो काटना नहीं चाहिए और 16,750 को टच करना चाहिए। बैंक निफ्टी 35,000 तो बेस बन गया है और दोस्तों 35,900 की तरफ जाके ये अगर एक बार 36,000 क्रॉस कर दे तो फिर हम और आप 36,000 के ऊपर का गाना शुरू कर देंगे। लेकिन मैंने आज दमखम नहीं देखा है दोनों बाजारों में। झटके से अगर कल इन्होंने अपने अपने ऊंच स्तर छू लिए तो मैं कुछ कह नहीं सकता, स्तर तो मैंने आपको दे दिए। लेकिन दोस्तों दमखम देखा नहीं है जो बाजार में दिखाई देना चाहिए था, क्योंकि जब 551 करोड़ की कटारी कैस में चल रही है और DII ओनली 130 करोड़ का माल खरीद रहे हैं तो कटारी कहाँ से दिखाई देगी। रिटेल इन्वेस्टर्स ने सामना किया और आखिरी दिन था दोस्तों, इसमें कुछ किसी का चलता तो है नहीं। कल वीकली का पहला दिन होगा फ्राइडे, तो मुझे लगता है अपनी अपनी पोजीशंस लोग बनाएंगे और जिस तरह से लोग
चिल्ला रहे हैं, कह रहे हैं भाई देखो मैं नहीं चिल्लाऊंगा, मैं तो बोलूंगा, मैं मुंह भी नहीं खोलूंगा इस वीडियो पे। हाँ अब समय दोस्तों बहुत ही फंडामेंटली मजबूत स्टॉक्स को जमा करने का है। मेरे इतने लंबे तजुर्बे में जून का महीना जिस तरह से बनिया अपने गोदाम को भर लेता है, ये गोदाम भरने का समय है, महीना है। अपने डिमेट में सजा कर रख लीजिए, जुलाई 15 के बाद दिवाली के दिए नज़दीक आने लगेंगे, फिर आप आराम से अपनी 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 फसल की कटाई करके पैसा जमा कर सकते हैं, प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं हैवीली, और तब तक इस फसल का डिविडेंड खाइए। तो मैं इस वीडियो में ये बातें बोल के ज़्यादा राम कहानी तो मैं बताऊंगा नहीं, मैंने भविष्य भी बता दिया, मैंने ट्रेडर्स के लिए भी बता दिया, मैंने इन्वेस्टर्स के लिए भी बता दिया, एंड दोस्तों पुट एंड कॉल का हिंट मैं सिर्फ यही देता हूँ कि बाजार ऊपर जाएगा या नीचे, आज मेरे व्हाट्सएप पे अप ही अप लिखा गया है दोस्तों, अप ही अप लिखा गया, सर बताइए किधर जाएगा आप, सर किधर किधर जाएगा आप, और दोस्तों वही हुआ। भाई मैं डाउन क्यों बताऊं जब मुझे पता है कि अब जा रहा है, इसमें बाइंग चल रही है, इसमें विदेशी आसपास अड़ोस पड़ोस के फैक्टर्स मदद कर रहे हैं, लेकिन लास्ट में जब ये स्टैग्नेंट हो गया तब इसमें दमखम थोड़ा कम दिखाई दिया दोस्तों। तो इसी अपने छोटे से वीडियो के साथ आप लोगों के भविष्य की चिंता करते हुए और उम्मीद करते हुए कि आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, इस चैनल को बेल आइकॉन का बटन दबाएं ताकि ये वीडियो बनती आपके एंड्रॉयड मोबाइल स्क्रीन पे समय से आ जाए, और अगर चाहे तो आप यूट्यूब का ज्वाइन बटन भी दबा सकते हैं जहां मैं आपके छोटे छोटे क्वेश्चंस के जवाब देने के लिए जिम्मेदार हूं। इसी और लाइक करेंगे तो मेरा मनोबल बढ़ेगा और बढ़िया बढ़िया, क्योंकि मैं सिर्फ एंड सिर्फ कहीं जाता भी नहीं हूं, तसल्ली से एक जगह बैठ के मैं इसी काम में लगा रहता हूँ। 3:30 बजे से 5 बजे सो जाता हूँ, रात को 11 बजे बंद कर देता हूँ, सुबह 6 बजे मैं फिर इस काम में लग जाता हूँ। कंसंट्रेशन मेरी सिर्फ अच्छे स्टॉक दिन में एक या दो खूब सोच समझ के जो मैंने प्रण किया हुआ है, एंड लेवल्स देने की, आज भी मेरी भविष्यवाणी सही हुई है, गलत नहीं हुई होगी दोस्तों, गलत होगी तो मैं बता दूंगा, जैसे मैं आज बता रहा हूँ कि दमखम बाजार में नहीं है, ओवरनाइट डेवलपमेंट देख के कल सुबह और साफ साफ बता दूंगा, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए, नमस्कार।